नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। MBPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 जिसका आयोजन जो है वह 19 जून को किया जाना है, उसको लेकर भी संशय है क्योंकि कोर्ट में निरंतर समय से याचिका दायर की गई थी कि चुनाव के कारण MPPSC कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए पहले 15 तारीख को सुनवाई की डेट रखी थी, अब 17 तारीख को सुनवाई की डेट रखी है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। उसके बीच में जो प्रमुख खबर आई है, MPPSC जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है उसका बुरा हाल हो चुका है। राज्य सेवा परीक्षा 2019 व 2020 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को संपन्न होने वाली है। पिछले 3 साल से प्रीलियम मेंस व इंटरव्यू की तैयारी में फंसे हैं उम्मीदवार। भर्ती प्रक्रिया में देरी से 2.25 लाख कैंडिडेट्स प्रभावित। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा 2021 का प्रीलिम्स 19 जून को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन 2019 का एवं 2020 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में पिछले 3 सालों की भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित शेड्यूल से काफ़ी देरी हो गई है। अब साल 2019 व 2020 भर्ती के लगभग 10,000 उम्मीदवार इस असमंजस में है कि वो प्री की तैयारी करें या मेन्स की या फिर इंटरव्यू की, क्योंकि अंतिम परिणाम घोषित न होने से अगली परीक्षाओं के लिए भी आवेदन करना पड़ता है। इसके अलावा MPPSC 2021 की परीक्षा 2022 में होने से प्रीलिम्स देने वाले 2 से 2.25 लाख प्रतिभागी प्रभावित हुए हैं। MBPSC परीक्षा विशेषज्ञ मयंक मिश्रा बताते हैं कि परीक्षा में देरी से बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए हैं, उनके हाथ से अवसर निकल गया है। 5 साल की मेहनत दांव पर लगी है। साल 2019 का इंटरव्यू इस साल अप्रैल में ही आयोजित होना था। इस परीक्षा में कुल 1,918 उम्मीदवार का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ था, लेकिन साल 2020 में राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के नियमों में किए गए बदलाव की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस परीक्षा का प्री का रिजल्ट नए सिरे से जारी किया जाएगा। ऐसे में 1,918 उम्मीदवारों का यह 5 साल से जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स का नए सिरे से रिजल्ट जारी होने से कहीं इनका नाम बाहर ना हो जाए। MPPSC परीक्षा विशेषज्ञ लखन यादव बताते हैं कि 2019 की परीक्षा का मेंस दे चुका छात्र वर्ष 2017 से तैयारी कर रहा है। 2017 में तैयारी की, 18 में तैयारी की और 2019 का उनने मेंस दिया जो कि 2020 में 12 जुलाई को आयोजित हुआ था, यानी उसे तैयारी करते हुए 5 से 6 साल बीत चुके हैं। ऐसे छात्र फिलहाल अभी मानसिक दबाव में हैं। 1,918 जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने से उनका चयन हुआ है प्रभावित वर्ष 2019 का, और साल दर साल ऐसे प्रभावित हो रहे हैं उम्मीदवार। वर्ष 2019 के 7,711 कैंडिडेट्स के पास किया है प्री, मेंस भी दे चुके हैं और इस संशय में है कि 2020 के इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर 2021 के प्री की। और बस 2021 में 2,25,000 उम्मीदवार प्री में शामिल होंगे। औसतन हर साल परीक्षा में देरी से ये उम्मीदवार भी हुए हैं प्रभावित। सेना की नौकरी छोड़ी, मेंस क्लियर, 6 महीने से इंटरव्यू का इंतजार। 3 साल पहले सेना की नौकरी छोड़े MPPSC की तैयारी करने वाले विमल बदला हुए नाम 2019 का मेंस क्लियर कर चुके हैं, वे 6 महीने से इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। विमल ने के पास अभी 6 साल की नौकरी भी बची थी, चयन नहीं हुआ तो न दोबारा नुकसान होगा। कई अभ्यर्थियों पर 4-4 परीक्षाओं का बोझ है। साल 2019 की मेंस दोबारा होगा या नहीं अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें 2019 भी शामिल हुए वे उम्मीदवार जो 2020 की परीक्षा में भी मेंस तक पहुंच चुके हैं, उनके सामने 2021 का प्री, 2020 का इंटरव्यू और 2019 के मेंस व इंटरव्यू की तैयारी के लेकर असमंजस है। इसके अलावा जो प्रमुख बात सामने आई है कि परीक्षा न आने से उम्मीदवार भी इस असमंजस में है कि 2020 के इंटरव्यू की तैयारी करें फिर 2021 के प्री की तैयारी करें कि 2020 के फिर से मेंस की तैयारी करें, किस तैयारी में अभ्यर्थी लगें। साथ ही साथ जो चुनाव के कारण विवादास्पद स्थिति चल रही थी कि MBPSC प्रारंभिक परीक्षा 2021 अपने निर्धारित समय से होगी कि नहीं होगी, उसमें भी अभी तक कुछ मामला सामने नहीं आया है। आयोग ने एक प्रकार से जो हाईकोर्ट है उसने तब से पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि पहली बात तो जो पीड़ित थे वह सामने आए, और दूसरी बात कुछ लोगों का नाम लेकर पूरे संघ पर वो नहीं लगाया जा सकता है, जो लोग आएंगे सामने उनको छुट्टी दिलवा दी जाएगी पेपर के दिन, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थी यदि चाह
तो इस प्रकार से पेपर कैंसिल होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो एमपीपीएससी प्रांत में परीक्षा 2021 का जो आयोजन है 19 जून को निर्धारित समय से 10 से 12 पहली पाली का एग्जाम होगा सामान्य अध्ययन का, और 2:15 से 4:15 जो है सामान्य अभिरुचि का पेपर अपने निर्धारित समय से होगा। तो सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे रहें। बनारस एजुकेशन पॉइंट की हैंडरिटन नोट्स आप परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है, आप अपनी तैयारी में लग जाएँ, और जब भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी हमारा चैनल हर समय आपके साथ रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।